देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को फर्रुख मुगल का प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। अभी की जो ये हमारी वीडियो ही अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो, हम आपके सामने सेल फोन को अनबॉक्स करेंगे। पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। हम करेंगे सैमसंग A11 का अनबॉक्स और रिव्यू और डिटेल में आपसे इसकी बातचीत करेंगे। तो आइए चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर बाकी डिटेल वगैरह बात मैं साथ साथ आपसे करता रहूँगा। जी फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना हो तो हमने आपके सामने बॉक्स खोल लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। इसका चार्जर देखें आप, इस तरीके का चार्जर है और ये काफ़ी फास्ट चार्जर है और इसके साथ डेटा केबल है। और इसके साथ आपको हैंड फ्री नहीं मिलेगी। हैंड फ्री जो है 30,000 से ज़्यादा का जो सेल फोन होता है उसके साथ मिलती है। और इसके अंदर इसकी पिन भी दी हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो सिम वगैरह लगती है, पिन से जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ट्रे टाइप निकलेगी, उस पर डबल सिम लगेगी और मेमोरी कार्ड वगैरह लगेगा। बाकी की डिटेल मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पहले मैं आपको बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या निकलेगा। साथ साथ एक अदद चार्जर होगा इसका और सेल फोन है और ये पिन है और इस बॉक्स के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। दिखा देता हूँ आपको बुक होगी इसके अंदर, ताकि इसकी डिटेल वगैरह आप देख सकें। इसमें पूरी गाइड और इसकी वारंटी कार्ड वगैरह है, सारी डिटेल वगैरह मौजूद है। अब मैं आपको सेल फोन के बारे में और डिटेल वगैरह बताता हूँ। पहले मैं आपको सेल फोन दिखा दूँ। ये सेल फोन इस तरीके का निकलेगा, आप देख लें। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा। हमने इसमें सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल कर ली है। मैं अभी आपको साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ और इस हवाले से हम आपसे बात वगैरह भी करते रहते हैं। आप स्क्रीन देख लें, ब्लैक रंग का हमने आपके सामने अनबॉक्स किया है और डिटेल वगैरह मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। इसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर लगाया है, जो कि आप कह लें बहुत ज़रूरी होता है प्रोटेक्टर। और ये प्रोटेक्टर जो है गोरिल्ला ग्लास है, और जो कि आप कह लें कि ये प्रोटेक्टर जो है तकरीबन इसके प्राइस जो हैं कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया, जो कि तकरीबन 300 का पड़ा है। 300-350 का आपको पड़ जाएगा आराम से। और आप इसके ऊपर लगा लें, अभी तो नया सेल फ़ोन है तो इसका प्रोटेक्टर इतनी आराम से आपको मिलेगा अपनी, जिस भी आपको फ़ोन का मिले आप लगा लें, ताकि आपका जो है पैनल सेफ़ रहे। क्योंकि सैमसंग और ब्रांडेड फ़ोन जो होते हैं, आईफोन और सैमसंग, इनका पैनल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कम से कम आप कह लें 6,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस होती है सैमसंग के पैनल के अंदर। और बाकी जितने भी फ़ोन वगैरह आ रहे हैं आजकल, जैसे कि मोबाइल, वीवो वगैरह, इनका जो है पैनल आपको 2,500 रुपये तक का या इससे ज़्यादा का मिल जाता है। लेकिन जो मतलब सैमसंग है, इसके पैनल की प्राइस कम से कम 6,000 से स्टार्टिंग प्राइस होती है, तभी आप इसका प्रोटेक्टर ज़रूर लगा लें ताकि ये सेफ़ हो सके। और उसके जो बैक कवर हैं बहुत खूबसूरत आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो है अभी तरीके से अभी आपको शॉप्स पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो है क्योंकि नया सेल फोन है, आहिस्ता आहिस्ते मिलेंगे इसकी। और मैं आपको सारी इसकी डिटेल वगैरह साथ साथ बताता हूँ। और पहले मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। इसके प्राइस जो हैं 26,000 रुपये, अगर आप कम करवाएंगे तो तकरीबन 100-200 रुपये आपके कम हो जाएंगे, लेकिन इसी प्राइस में आपको ये मिलेगा। और मैं आपको इसकी डिटेल वगैरह सारी बताता हूँ साथ साथ, जो कि आप कह लें इसके अंदर जो है ड्यूल सिम है और इसका प्रोसेसर जो है 1.8 GHz ऑक्टा कोर है और इसका डिस्प्ले जो है 6.4 इंचेस है, 720x1560 पिक्सल है। और इसके अंदर जो मेमोरी है वो है 32 GB मेमोरी है और 2x3 GB इसकी रैम है। और मैं इसके आपको कार्ड का बता दूँ, इसके अंदर जो कार्ड लगेगा वो माइक्रो SD कार्ड लगेगा और इसमें जो सपोर्ट कार्ड की जो लिमिट्स है वो 256 GB तक की है। और मैं आपको इसकी और फीचर्स के बारे में बताता चलूँ। उसका जो ब्राउज़र फीचर है वो HTML5 है। इसके अंदर गेम्स वगैरह भी आप खेल सकते हैं, जो कि बिल्ट इन डाउनलोडेबल है। और इसकी जो बैटरी है बहुत ज़्यादा फास्ट इसकी बैटरी है, और जो है ये 15 वोल्ट पर है, लिपो नो रिमूवल है, और जो कि 400 mAh पे। मैं आपको उसके कैमरे वगैरह का भी बता देता हूँ। इसके अंदर जो है मैं कैमरे की डिटेल भी आपको भी दिखाऊंगा। कैमरा जो है इसके अंदर 3 कैमरे हैं, जो कि आप कह लें इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है 8 MP, और इसके अंदर जो बाकी जो 3 कैमरे वो है 13 MP है और 5 MP और 2 MP इसके अंदर कैमरा है। अभी मैं आपको कैमरे की डिटेल वगैरह भी दिखाता हूँ। और जो कि आप कह लें बहुत परफेक्ट किस्म का फ़ोन है हर लिहाज से, और बहुत मतलब फ़ास्ट, और इसके अंदर आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक का मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, और मतलब आप जितनी भी एप्लीकेशन हो गई, ग्रैंडर हो गई, ट्रिंडर हो गई, ब्लू ऐप हो गई, जितनी भी ऐप हैं आप आसानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका सब कुछ बहुत फ़ास्ट और एडवांस है और हर तरीके से बहुत तारीफ़ के काबिल और बहुत परफेक्ट किस्म का सेल फ़ोन है। लेकिन मैं आपको उसके कैमरे के हवाले से बताता चलूं, जो कि इसके कैमरे की डिटेल जो है वो आप कह लें कि कुछ काफ़ी तवील है। मैं आपको भी दिखाता हूं इस कैमरे की डिटेल।
इसकी कैमरा की डिटेल के हवाले से हम आपसे बात करें, जो कि आप कह लें कि जो कि बहुत जो कि जैसे कि यूट्यूबर वगैरह हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन काम या कोई भी किसी तरह का काम करना है, तो उसका जो फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है। अगर आप टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं तो आपको इसका फ्रंट कैमरा पसंद नहीं आएगा। बैक कैमरा और बाकी कैमरे काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो है फ्रंट कैमरा जो इसका काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, जो कि काफ़ी वाइड एंगल के अंदर है। मैं आपको उसके कैमरे की डिटेल दिखाता हूँ। जैसे कि हम इसके कैमरे में गए तो उसमें काफ़ी सारे आपको कैमरे शो हो जाएंगे, जिसमें आप कह लें कि देखें, और ये जो आपके सामने कैमरा शो हो रहा है, ये आपको पूरे कमरे का एंगल लेने के हिसाब से शो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने बटन प्रेस करा, अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब आप आहिस्ते 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 अपनी पूरे मूवमेंट करके पूरी चारों तरफ से जो मतलब आप रिकॉर्ड करना चाहें, आप पूरा प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि अब ये रिकॉर्ड हो गई पूरी पिक्चर्स में, अप एंड डाउन का एरर भी बता रहा है डिटेल, ताकि जो है अब शो हो जाए। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ जो कि अभी कैप्चर हुई है। ये देखें पूरी ये पिक्चर रूम की इस तरह से कैप्चर किसी भी चीज़ की होगी, पूरी डिटेल के अंदर जो है ना पूरा आप कमरा या कोई भी चीज़ को कवर कर सकते हैं, जो कि मतलब इसकी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी। और बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर कैमरे हैं जो कि आप कह लें देखें डिटेल वगैरह में मौजूद हैं, जो कि प्रो भी है और इसके अंदर लाइव फोकस भी है, वीडियो बनाने के लिए भी है। मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर कैमरे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी डिटेल है, और जो कि आप कह लें कि सब चीज़ों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट किस्म का ये सेल फ़ोन है। और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, आपको फ्रंट कैमरे से ज़्यादा काम होता है, तो फिर ये उसके लिहाज से बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो कैमरा है फ्रंट का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बनिस्बत हर चीज़ के लिहाज से काफ़ी परफेक्ट है, और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें वगैरह बताई, अनबॉक्स वगैरह करा, और बॉक्स में जो जो चीज़ें निकलेंगी डिटेल वगैरह इसकी बताई। और मतलब आप कह लें एक तरह से घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी परफेक्ट फ़ोन है। इसमें आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी स्क्रीन जो है नीचे से होती है, देखें इस तरह से सारी एप्लीकेशन परफेक्ट तरीके से चलती हैं, जो कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा आएगा। बस जो जो चीज़ें थी मतलब आप कह लें कि फ्रंट कैमरे के लिहाज से जो मैंने आपको बता दी हैं डिटेल में। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपके सामने सैमसंग A11 का रिव्यू किया और डिटेल में बात वगैरह की। अगर चीज़ को आपको तफसील से बताया, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।